मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि हम दो बहनें हैं तो मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने तो फिर वहाँ से मैंने फिर पढ़ाई शुरू की आप ये बताइए कि पाँच साल तैयारी हमने किया और पाँच साल तैयारी का मतलब है कि हमारा जो दिमाग है वो एक कंपटीशन के फेज में है हाँ। आप खाते सोते उठते हमेशा सोचते हैं कि क्या होगा कैसे होगा तो ये पाँच साल कैसे बीता थोड़ा अपनी उथल पुथल बताइए बहुत ज्यादा उस की जब बार बार पेपर ही लीक हो जा रहा है तो हम में इतनी मेहनत क्यों करें? टूटता हाँ, तो, तो है, है।, हाँ। है, है तो उसको सही हैं है। है इस ही हाँ। उसको सुधारनी चाहिए नीट के पेपर और बाकी कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पेपर है तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में उनका एग्जाम करवाना चाहिए उनका रिजल्ट चेक होना चाहिए और ये जो लीक

मतलब शिक्षा तंत्र की बर्बादी पर किसी की नज़र ना जाए शिक्षा तंत्र की बर्बादी पर लोग लाममंद ना हो जाए इसके लिए परीक्षा तंत्र विकसित किया गया है परीक्षा तंत्र का हाल यह है कि एक विद्यार्थी विद्यार्थी ना बन, करके साल बन कर के सालों साल परीक्षार्थी बनकर रह जाता है सालों साल एक परीक्षा पास करने के टेंशन में जीता है इस तरह का सिस्टम बना दिया गया है कि विद्यार्थी को साफ साफ दिखता है कि अगर उसने अमुक परीक्षा नीट आईआईटी, यूपीएससी पास कर ली तो उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जबकि आप दुनिया की किसी भी शिक्षाविद से पूछ लीजिए वह आपको यही बताएंगे कि तीन घंटे की प्रतियोगी परीक्षाएं छटनी के अलावा और कोई काम नहीं करती हैं अगर कोई औसत आयकी वाला विद्यार्थी है अपनी स्वाभाविक रुचि का विषय पढ़ रहा है उसे अच्छी शिक्षा और ट्रेनिंग मिल रही है और समय समय पर उसका टेस्ट लिया जा रहा है तो इस हिसाब से किसी भी क्षेत्र जैसे डॉक्टर इंजीनियर वकील कलेक्टर के लिए काबिल लोगों की फौज खड़ी की जा सकती है मगर इसके लिए जरूरी है कि स्कूली शिक्षा मजबूत हो कॉलेज की शिक्षा मजबूत हो बच्चों की जितनी भी आबादी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जा रही है सबको ढंग की शिक्षा मिले मगर सरकार में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है कि वह इस तरह का काम नहीं कर पाता है इसलिए सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं का सिस्टम निकाला है मगर जब भ्रष्टाचार का जंजाल हमारे समाज में बहुत ज्यादा गहरा है तो यह कैसे संभव है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लिखना हो पिछले कुछ सालों से पेपर लिख की लगातार खबरें आ रही हैं नीट पेपर लिख का बवाल तो पूरे देश भर में चल रहा है तो मैंने इस वीडियो में नीट पेपर के दो परीक्षार्थियों से बात की है एक ने पाँच साल की तैयारी की है और एक ने तीन साल की यह दोनों परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले हैं तो आप भी इस वीडियो को देखिए और समझिए कि जब विद्यार्थी परीक्षार्थी में तब्दील हो जाते हैं और सालों साल एक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो किस मानसिक अवस्था के साथ चल रहे होते हैं और जब परीक्षा से पेपर लीक की खबर आती है तो उनकी हालत क्या होती है आपने ट्वेल्थ की पढ़ाई की थी ट्वेल्थ की पढ़ाई पढ़ कुशीनगर हाँ। से वो स्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज से की है अच्छा तो ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल है तो आपको कब लगा कि मतलब डॉक्टर की ही पढ़ाई करनी चाहिए मतलब घर से दबाव था कि आपकी डॉक्टर बनने की खुद की इच्छा थी क्या था मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि हम दो बहने हैं तो मेरी पापा की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने तो फिर वहाँ से मैंने फिर पढ़ाई शुरू की और तो पापा आपकी क्या करते हैं मेरे पापा की बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है तो पापा की ख्वाहिश थी कि आपकी दोनों बेटी डॉक्टर बने तो अच्छा। मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने भी तैयारी की लेकिन उनका नहीं हो पाया सिलेक्शन तो वो बीएससी नर्सिंग करने चली गई अच्छा। तो उनका कंप्लीट हो गया फिर मैंने नीट की तैयारी की तो मेरे मार्क्स अच्छे आए तो फिर मैंने ऐसे ड्रॉप लेकर के तैयारी की तो फिर मेरे इस बार छह नंबर आए नंबर नीट में तो आप ये बताइए की आफरीन आपने नाम बताया न जी तो आफरीन ये बताइए की मतलब की लड़कियों को पढ़ने लिखने में तो हमारे समाज में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो आपको सपोर्ट मिला घर से हाँ, पूरा सपोर्ट मिला मेरे पापा ने हमेशा सपोर्ट किया है हर तरह से उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है तो आप बाहर जाके आपने पढ़ाई हाँ, की कोचिंग घर से बाहर लेकर कब से आप तैयारी कर रही थी मुझे तैयारी करते हुए पांच साल हो गए कहाँ कहाँ आपने पढ़ाई की पहले चार साल मैंने कानपुर में पढ़ाई की फिर एक साल लखनऊ में पार्शियल ड्रॉप ली पे स्टेट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ बी में फिर मैंने वहाँ से पार्शियल ड्रॉप किया बी एम यानी की जो आयुर्वेद वाला हाँ, तो फिर मैंने एग्जाम दिया नीट का तो मेरे छह सौ सत्तावन नंबर आए आप ये बताइए कि पांच साल तैयारी हमने किया और पांच साल तैयारी का मतलब है कि हमारा जो दिमाग है वो एक कंपटीशन के फेज में है आप खाते सोते उठते हमेशा सोचते हैं

मैंने हिम्मत किया लास्ट ईयर अच्छा ठीक पाँच सौ नवासी नंबर आए तो मुझे लगा कि अब मैं एक बार और एग्जाम दूँ तो शायद मेरे अच्छे नंबर आएंगे तो फिर जब मैं पेपर देकर इस बार आई तो मैंने अपने जब नंबर जोड़े तो मेरे छः सौ सत्तावन नंबर बने तो मैं बहुत खुश थी कि इस बार मुझे बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन मेरे नंबर तो सेम थे लेकिन मेरा रैंक मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस था लास्ट ईयर और इस साल के कंपैरिजन में मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस था क्योंकि इतने नंबर पे लास्ट ईयर रैंक थी साढ़े चार हजार लगभग साढ़े चार पांच हजार रैंक थी हाँ। और इस बार साढ़े तेईस हजार रैंक पहुंच गई है तो वहाँ से मैं फिर डिसअपॉइंट हो गई कि इस बार भी मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हूँ तो यूपी से तो नहीं लेकिन ऑल इंडिया से मुझे कॉलेज मिलने की संभावना है नहीं मेरी पढ़ाई हमेशा अच्छी रही जैसे मैं जहाँ से उठकर गई थी जिस जगह से ऐसे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके और फिर हर साल ऐसे नंबर मेरे बढ़ते थे तो इस तरह से मुझे इतना ज्यादा निगेटिव चीजें सुनने को नहीं मिली कितना खर्च हो जाता था आपका साल भर में तैयारी के दौरान मैंने mostly self study की है ज़्यादा मैं कोचिंग पर डिपेंड नहीं रहती थी ऐसे वगैरह से मैं पढ़ाई लोगों Online कोई भी मतलब लेक्चर देख करके मैं पढ़ा करती थी खुद से और NCRT बुक से पढ़ा करती थी और न्यू लाइट कोचिंग सेंटर वहाँ पे मैं टेस्ट दिया करती थी तो ज्यादा कोचिंग में ज्यादा खर्चे नहीं हुए बस वही जो मेरा रहने बस तो इस बार जो आपका रिजल्ट आया है बहुत लड़के कह रहे हैं कि जिस दिन उन्होंने एग्जाम दिया उस दिन ही पता चल गया कि पेपर लीक हो गया है हाँ तो वो पता था लेकिन कंफर्म पता नहीं था वो एंट्री वाले बार बार कह रहे थे साढ़े चार बजे के बाद पेपर बाहर आया तो हमें लगता था कि साढ़े चार बजे के बाद पेपर अगर बाहर आया वो तो ज्यादा लीक होने का मसला नहीं है तो और अगर हुआ भी था तो वो बिहार में किसी एक सेंटर पे हुआ था ऐसा सुनने को मिलता था की तो अगर पेपर कैंसिल भी होता है तो सिर्फ उस जगह का होगा पूरे चौबीस लाख बच्चों का तो नहीं होना था लेकिन अब धीरे धीरे इतनी सारी चीजें सामने आ रही हैं कई सारी पर। तो अगर, तो मैं, तो अगर मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ और मुझे तो 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 अजीब सी फीलिंग आती आपको ऐसी कुछ फीलिंग आई कैसा कुछ लगा अजीब सी तो फीलिंग आई मतलब हर साल जैसा प्रेशर रहता था वही सेम इतने नंबर लाने के बाद भी मुझे इस साल भी वही प्रेशर है कि इतनी मेहनत के बाद भी अब मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। मम्मी पापा ने क्या कहा उस दिन? बात हुई उनसे? वो लोग भी बहुत ज्यादा टेंशन में है की मतलब इतने साल हो गए हैं इस बार इतनी सारी उम्मीदें थी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया मतलब सब लोग टेंशन में है तो पापा जैसे आप कह रहे हैं कि पापा के आपकी ख्वाहिश थी कि आपको डॉक्टर बनाना है तो पापा कैसे कभी कभी समझाया को वो जब भी जब एग्जाम जैसे एग्जाम होने वाला जब एग्ज़ाम आता था तो उसके एक हफ्ते दो हफ्ते पहले वो कॉल करते थे और बोलते थे कि बेटा टेंशन ना लो जो भी होगा मतलब ऐसे तो वो भी टेंशन में रहते थे कि आ, कैसे होगा क्या होगा कर पाएगी नहीं कर पाएगी लेकिन जब भी मुझसे मिलते थे तो मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस हो जाती थी लेकिन वो कहा करते थे कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारा हो जाएगा मुझे पूरा तुम साढ़े छः सौ से कम नंबर नहीं लाओगे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है तो ऐसे करके वो मेरे कॉन्फिडेंस को और बढ़ाते थे तो मैंने अपनी मतलब उन्हीं से मुझे जो भी इंस्पिरेशन मिला है मुझे उन्हीं से उन्होंने उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है उन्होंने मैट्रिक तो आप अखबार वगैरह पढ़ती हैं हैं मोस्टली न्यूज तो 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 पे पे आ ही जाते तो मैं अपडेट तो आपने ये सुना है की बहुत सारे पिछले कुछ सालों में पेपर लीक हुए बहुत सारे तो जी सी नेट का भी पेपर लीक हुआ तो उस पर अगले दिन ही परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद अगर पेपर कैंसिल होता है तो बहुत सारे बच्चों का नुकसान भी सकता है तो ये जो पेपर लीक इतना बहुत सारा होता है तो एक सवाल मन में फिर उठता है कि जब बार बार पेपर ही लीक हो जा रहा है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें हाँ, वो भरोसा तो टूटता तो है ना भरोसा बहुत ज्यादा टूट गया है अब ऐसा हाँ, लगता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही मानकर ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा उसको सही मानकर ही आगे हम बढ़ना। कुछ कर नहीं सकते हैं अभी भी तो इतना गलत हो रहा है हम कहाँ कुछ कर पा रहे हैं आपको लगता है की जो सरकारें हैं वो ढंग से पेपर लीक करवा पाएंगे नहीं अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है पढ़ने वाले बच्चों पे स्टूडेंट पे आजकल के मतलब जो भी स्टूडेंट है मतलब तो जितने सीरियस सीरियस स्टूडेंट्स अगर इतना सीरियस सरकार हो जाए तो हमारा देश और भी आगे जा सकता है ठीक बात है अच्छा ये बताइए कि जो आपके दोस्त वगैरह हैं आपके दोस्त भी तो होंगे ना जो तैयारी कर रहे होंगे वो कैसी बातें करते हैं सरकार को लेकर के या परीक्षा को लेकर के मैं जहाँ जिन जिन लोगों के साथ मैंने बार पढ़ाई की थी और उन, उन जिनके साथ मैंने एग्जाम दिया उनके मार्क्स भी ऐसे ही आए हैं किसी के 640 सौ चालीस सैतालीस बयालीस मतलब ऐसे ही नंबर आए हैं उन लोगों के भी तो दोस्तों मुझसे भी ज्यादा परेशान है उनके वो भी बहुत साल से तैयारी कर रहे थे परेशान मतलब क्या होता है परेशानी में डिप्रेशन में जा रहे हैं और वो मतलब यही कह रहे हैं कि इस बार हमें बीएमएस मिले या कुछ भी मिले हम ले लेंगे लेकिन दोबारा तैयारी नहीं करेंगे कभी ऐसा ख्याल नहीं आता कि हम पांच साल से तैयारी कर रहे हमें बी एस कर लेना चाहिए था लेटर कुछ कर लेते ऐसा कुछ मन में आता है अगर ऐसा करना होता तो फिर हम बार बार ड्रॉप क्यों लेते ये जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पे तो बहुत ज्यादा फीस लगती है जी। तो वो फीस इंतजाम हो जाता मतलब कि अगर एडमिशन होता तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो मतलब बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल इम्पोसिबल की वो लोग लो इतना इंतजाम कर पाए क्यूँकी करोड़ों लग जाता है तो उतना तो तो मतलब आपकी वही इच्छा थी कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। इस बार तो आप एग्जाम देंगे नहीं नहीं, अब और मुझे उम्मीद है की ठान तो? तो 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 ने ने लिया है कि अब की बार तो पढ़ाई भी नहीं करेंगे अब की बार तो ये छोड़ देंगे बहुत हो गया ना सर पाँच साल बहुत हो जाता है एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार बार नहीं पांचवा बार होगा कितना नंबर छह सौ सत्तावन नंबर पे तेईस हजार पाँच सौ पचास रहेंगे इतने पे कॉलेज मिल जाता है हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है लेकिन जो मुझे चाहिए था मतलब इतने नंबर पे आपकी मुझे... इच्छा क्या थी मेरी इच्छा थी की के जी एम सी जीएसबीएम या हुँ. फिर आर एम एल लास्ट ईयर मतलब की ये जो कितने रैंक तक को मिल लास्ट ईयर छह सौ संतावन नंबर पे मिला था आर एम एल अच्छा तो जब मेरा नंबर आया तो मैं जब अपना पेपर देकर आई तो मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए तो मेरे बहुत अच्छे आ रहे तो मुझे लगा कि चलो मुझे जीएसबीएम तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा लेकिन जब रिजल्ट आया तो उतनी ज्यादा रैंक देख ऐसा लगा की अब तो बहुत मुश्किल है की यूपी में भी कॉलेज मिले कि अगर आपकी बार रद्द हुआ तो आप आगे पढ़ाई नहीं करेंगे रद्द होगा तो फिर दोबारा पेपर कराया जाएगा तो वो पेपर मैं दूंगी दोबारा कब से आप तैयारी कर रहे हैं नीट को लेकर के ये मेरा 2024 में तीसरा साल है नीट की तैयारी को लेकर ये जो नीट की तैयारी को लेकर के आपने तीन साल बिता दिया क्यूँ इतना लंबा समय आपने दे दिया वजह क्यूँ नहीं हमें लगता था की जैसे हमने नीट की तैयारी किया पहला साल दिया दूसरा साल दिया तो हमारा नंबर इम्प्रूव होते गए तो हमें लगा की एक साल और अगर हम तैयारी करें तो हमारा सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है इसलिए और ये आपने बारहवीं पढ़ाई, कहां से की है? क्लास की पढ़ाई हमने यही अपने शहर हो। लो में होता है वो तो कहीं भी विद्यार्थी रहेगा तो अपने शहर से ही पढ़ता है तो लोकल शब्द कहने का दिमाग में क्यों आता है लोकल शब्द कहा लोकल मतलब कि यहाँ पे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो इसी शहर के हैं बाहर के नहीं हैं ऐसा नहीं होता कि दिमाग में ऐसा रहे कि वो एक बहुत बड़ा स्कूल होना चाहिए वहाँ से हम नहीं पढ़े हैं एक ऐसा मन में धारणा हो ऐसा कुछ नहीं होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता तो सब तो स्कूल लोकल ही होता है जो भी जहाँ से पढ़ रहा है आजकल तो लड़कों को नब्बे परसेंट पंचानवे परसेंट नंबर आता है जी। और कहते हैं लोग की डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई वही करते हैं जिनको बहुत ज्यादा नंबर आता है लेकिन आपको तो इकसठ प्रतिशत नंबर है फिर भी आपने पढ़ना जी नहीं हमारा जो था कि ट्वेंटी वन में हमने इंटर दिया था उस समय कोरोना काल चल रहा था तो उसके चलते हमारा पेपर रद्द हो गया था तो उसके चलते हमें मार्क्स बस ऐसे ही मिले हैं स्कूल के जरिए अच्छा। प्री बोर्ड के जरिए असाइनमेंट के जरिए हमारा अच्छा। एग्जाम नहीं हुआ था अच्छा और ये बताइए कि आपको कब कब लगा कि मतलब आपको डॉक्टर पेशा ही उसके लिए ही पढ़ाई करनी चाहिए मन में आता है ना ख्याल कब आया हमें घर से ऐसे क्या किया गया इंटरेस्ट दिखाया गया घर से दिखाया गया आपका इंटरेस्ट किस में था नहीं हमारा भी ये था साइंस पढ़ना था हमें हमने हाँ तो हाँ बा, बायो स्ट्रीम लिया उसको तो आपने जो तीन साल तैयारी की कहा की पहला साल हमने किया सेल्फ सेल्फ स्टडी से, घर से पे दूसरा साल किया हमने आकाश गोरखपुर तीसरा साल हमने किया फिजिक्स वाला लखनऊ से अच्छा तो इसमें तो बहुत पैसे भी खर्च हुए होंगे पैसे भी खर्च हुए कितने आपके मतलब की साल में लगभग हमारे ढाई से तीन लाख रूपये लगे ढाई से तीन लाख ढाई से तीन लाख यानी की पांच छह लाख रूपये तो खर्च हो गए होंगे ठीक है पिताजी आपके क्या करते हैं हमारे पिताजी उनका प्राइवेट जॉब है, है आपने जब अब नीट दिया जी। तो नीट के पेपर के को कर को लेकर के पूरे देश भर में बवाल चल रहा है जी। तो आप जब पेपर देकर निकले तभी आपको पता चल गया कि लीक हो गया है पेपर नहीं नहीं हमें उसके एक दो घंटे बाद पता चला हाँ। सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोस आए कई सारे एविडेंस दिखाए गए कि पेपर लीक हो चुका है तो उसको देख के हमें पता चला जब हमने इंस्टाग्राम पे देखा तो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जो कि था कि पाँच मई का था जिस पे वीडियो लिखा जिस पे वीडियो था पेपर का पेपर का हर एक पन्ने का हर एक क्वेश्चन का साफ साफ दिख रहा था जिसमें टाइम था कि चार बज के अट्ठारह मिनट पे, पे पेपर होने के दौरान पेपर सेंटर से बाहर लीक हो चुका है जबकि उसको लीगल तौर पर पाँच बज के बीस मिनट के बाद पूरी दुनिया को दिखाया जाता है पेपर तो उस समय आपका आपके मन में क्या रिएक्शन आया क्या आपको लगा उस समय एहसास कैसा हुआ हमें ऐसा लगा कि हम वो क्या बोलते हैं पूरे स्टूडेंट्स के साथ जितने भी है उनके साथ चीटिंग हुआ है तो जब आपने अपने पिताजी को बताया कि पेपर लग रहा है कि लीक हो गया तो उन्होंने क्या कहा अब उन्होंने ऐसा कहा कि पेपर लीक हुआ है ठीक है देखते हैं उसके बाद क्या होता है पेपर कैसा कि, कितना लीक हुआ है एग्जाम का रिजल्ट जब आया हाँ। तो उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं अभी आठ तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल हुआ है तो नहीं नहीं तो एक बात बताइए कि जब पेपर तो उसी दिन लीक हो गया जिस दिन पेपर हुआ मई को हुआ। और रिजल्ट आया आया मेरे ख्याल से कब जून जून को चार जून को जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आना था तो इस दौरान एक विद्यार्थी होने के नाते आपके मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे अगर आपने तीन साल की उनकी तैयारी की है और बहुत गंभीरता से तैयारी की होगी आपने घर से भी तैयारी नहीं की है दो बार जाकर के आपने बाहर भी पढ़ाई की है तो मतलब आपके मन में इच्छा तो होगी कि हमारा इसमें सेलेक्शन हो जाए और आपको पहले ही दिन लग गया कि भाई पेपर तो लीक हो गया है तो वो जो अंतराल गुजरा समय का वो आपके मन में कैसे ख्याल आ रहे थे कि विद्यार्थी होने के नाते घबराहट था हमारे मन में कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा रैंक खराब हो जाए कई बच्चों का रैंक खराब हो जाए जो बच्चे नीट देने के लायक नहीं है मतलब उनका नंबर कम आता है जिनकी अच्छी से तैयारी नहीं है बस कुछ पैसे दे पेपर खरीद लें और फिर बाकी बच्चे जो साल भर मेहनत करते हैं दो साल तीन साल चार साल उनकी मेहनत मेहनत जाया गई और उनका रैंक खराब हुआ उनका सीट जो है एक एक तरीके से चुराया गया कि आपको उस दौरान नहीं लगा कि जब हम सबको पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है तो सरकार को इस पेपर को रद्द ही कर देना चाहिए आ, सरकार को एक क्या बोलते हैं एक्शन लेना चाहिए इसे एग्जाम को लेके पेपर लीक हुआ है कई कई बच्चों का जो नंबर आया वो बहुत अनवांटेड नंबर आया सात सौ अठारह सात सौ उन्नीस एक लड़की का जो है एम में है तो उसका जो है ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल हुई है उसके बावजूद उसका नीट में सेवन हंड्रेड प्लस नंबर रहा है कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो लिखित में बयान बा, बा, दिए हैं कि उन्होंने पेपर खरीदा है इतने पैसे दे तो इस बात को लेकर चिंता तो सबके पास है कि हमारा पेपर अच्छा से नहीं गया कई बच्चे ऐसे हैं जो दो चार नंबर को लेके बात मा, मात खाकर जहाँ पिछले साल तक 630, 640, 650 पे अच्छा रैंक आता था अच्छा कॉलेज मिलता था वो इस साल हम लोग को नहीं मिल पा रहा है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत किया है जो सात हाँ, सौ में सात सौ बीस लाए मेहनत करके हाँ, हाँ, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे जैसे पैसठ से ज्यादा बच्चे हैं जिनका सात में सात आया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि पिछले साल से जब से एन नीट का एग्जाम करा रहा है तब से बहुत कम बच्चे हैं मुश्किल से साल में एक से दो बच्चे आते हैं जिनका फुल मार नहीं, नहीं ये बात तो मतलब एक विद्यार्थी होने के नाते अगर आप मुझे समझाएं जब एक बार ये चीज पता चल गई कि पेपर लीक हो गया है जी और पेपर के माध्यम से ये पता चलने वाला है कि किसकी कितनी काबिलियत है तो आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं कि जिसको 720 में से 720 नंबर आया है उनमें से कुछ ने बहुत मेहनत की है इस निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचा जा सकता ना क्योंकि पेपर तो लीक हो गया पेपर तो सबके सामने है जो काबिलियत तो मापने के लिए पैमाना बनाया गया था वो पैमाना तो सबने देख लिया तब कैसे हम कहें कि उन्होंने मेहनत किया था जिनको सात सौ बीस में से सात सौ बीस मिला है ये आप लोग कैसे कह रहे हैं मतलब कई सारे कोचिंग सेंटर्स में ऐसे टीचर हैं जो बाहर भी ऐसे टीचर हैं जो नीट का कर तैयारी करवाते हैं और नीट के क्या बोलते हैं, क्या हैं, उनको पता होता है इस आधार पर आप लोग कह रहे हैं ठीक बात है अच्छा एक बात बताइए कि एक विद्यार्थी होने अगर नाते मुझे बताएं कि ऐसा क्या होता है कि आप बी एस की पढ़ाई भी कर सकते थे लेकिन तीन साल से आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या मतलब बीएससी में भरोसा नहीं है आपको नहीं मतलब बीएससी में भरोसा ऐसा बात नहीं लेकिन बस ये बी एस करने के लिए हमारे पास बीएससी तो कर सकते हैं लेकिन हाँ। उसके बाद स्कोप बहुत ज्यादा है उसमें स्कोप 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 नहीं नहीं है मतलब नहीं है मतलब उसमें हाँ। और कई सारे मतलब उसमें जॉब करना है आगे चल के फ्यूचर में कुछ करना है तो बीएससी से वो सपोर्ट नहीं मिलता है जो हमें एमबीबीएस से मिल सकता है गवर्नमेंट सीट अच्छा अगर पेपर लीक हो गया तो आपको सरकार को लेकर के कैसे सवाल उठते हैं आप मन में पेपर लीक हो गया तो सरकार का उसमें पूरा पूरा दोषी की पेपर लीक हुआ तो हुआ क्यों और पेपर लीक हुए लगभग दो महीने से ज्यादा हो गए तो सरकार को इसके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए लगभग इस साल छब्बीस लाख बच्चे एग्जाम दिए थे उनमें से कई लाखों बच्चों का जो है सीट खराब हुआ है उनका रैंक खराब गया उनका पूरी मेहनत महन, गई है तीन चार पाँच या छह साल के भी कुछ बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं अच्छा आप ये देखिए कि पिछले कुछ साल से कई परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं जी पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहा है जी और आप बारहवीं क्लास के विद्यार्थी है तो, तीन साल आपको शायद आपने पढ़ा है तो कभी मन में ऐसा नहीं उठता है कि यार क्यों ही पेपर हम दें पेपर तो लीक ही हो जाता है और क्या पता है कि हम इतना मेहनत करें और मेहनत करने के बाद सिलेक्शन उनका हो जाए जो पैसा देने के सक्षम है और पेपर खरीद लेते हैं ऐसा भरोसा नहीं डरमा आता है नहीं बोला ऐसा भरोसा पिछले साल तक तो उठा ही कि हाँ। पिछले साल नीट का जब भी पेपर होता था पूरी सच्चाई से होता था अच्छे से होता था पूरी एक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता था इस साल वो रूल एंड रेगुलेशन उन सबको बिगाड़ा गया है तो लेकिन नहीं नहीं आपको नहीं। अगर मैं एक पत्रकार होने के नाते आपको एक तथ्य बताऊं कि जिन लोगों ने पेपर लीक करवाया है उनके परिवार में उनकी बेटी एमबीबीएस कर चुकी है उनके दामाद एमबीबीएस कर चुके हैं तो ये क्या बताता है वो लोग माफिया हैं लीक करवाने के तो ये तो यही बताता है कि लीक तो पहले से भी होता आ रहा है अब की बार कर जा करके दिखा है तो इतना बवाल मच रहा है कुछ आपके मन में ऐसा ख्याल नहीं आता है ये पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है हाँ ऐसा सिस्टम गड़बड़ है एजुकेशन सिस्टम में बहुत खामियां हैं इस साल उसको सुधारनी चाहिए नीट के पेपर और बाकी कई सारे कॉम्पटिटिव एग्जाम के पेपर्स हैं तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में उनका एग्जाम करवाना चाहिए उनका रिजल्ट चेक होना चाहिए और ये जो लीक के हिसाब से जितने भी माफिया हैं या फिर कई ऐसे लोग हैं जो पैसा देके पेपर खरीद रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन सरकार को लेना चाहिए आप तीन साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कितना रैंक आपका तकरीबन तकरीबन आ जाता तो आपके लिए अच्छा होता इस साल तो हमारा रैंक आ रहा है लगभग पाँच लाख चालीस हजार ठीक है तो अगर हम अगर नीट का पेपर लीक नहीं होता अगर अच्छे से रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से एग्जाम होता तो हमारा रैंक बहुत तो नहीं बढ़ता लेकिन हाँ कुछ चालीस हजार रूपए तीस चालीस चार, हजार रैंक और ऊपर होता है आपका तीस चालीस हजार और ऊपर होता है आप चाहत क्या रखते हैं हमारा चाहत तो ये है की हमारा अगर नंबर छे सौ चालीस छह सौ पचास आ सकते हैं हम है जनरल कैटेगरी के ठीक है उसमें हमको गवर्नमेंट को आप कॉलेज में एस या बी या बी का सीट मिल सकता था लेकिन इस साल वो नहीं हो पाया मतलब गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको आ, मिल जाता कॉलेज मिल सकता था तो अ, 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 अगर मान लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में आपको सीट मिल रहा है तब उतना सक्षम है पैसा देने के लिए आप मतलब इंडिया में अगर एमबीबीएस करना है तो प्राइवेट कॉलेजेस में कहीं भी आप जाइए तो सेवेंटी लाख सेवेंटी फाइव लाख एटी लाख ऐसे है हाँ। तो अब उतना तो हम ज्यादा अफोर्ड कर नहीं सकते हैं इंडिया में हाँ। फॉरन में हम जा सकते हैं जो की थोड़ा एमबीबीएस का फीस उसके लिए कम तो इसका प्लान आपने रखा था कि फॉरेन में जाकर पढ़ाई करेंगे इसका एक प्लान रखा था आपको लगता है कि मतलब कि जब इतना पैसा यहाँ पर है कभी आपने बारहवीं क्लास आपने पढ़ाई कर ली और तीन क्लास और भी पढ़ लिया आपने कभी सोचा नहीं कि इतना ज्यादा पैसा पढ़ाई में लगता है डॉक्टरी के पढ़ाई में सत्तर लाख अठहत्तर लाख एक करोड़ और तब तो मतलब इतना पैसा कमाने वाले तो हिंदुस्तान में दो भी आबादी नहीं है अंठानवे प्रतिशत आबादी तो डॉक्टर की परीक्षा देगी ही नहीं तब वहां पे काबिलियत को लेकर के इतना जो चलता है मन में वो उसका तो कुछ तुक बनता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं लोगों के पास काबिलियत तो है लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में उतना मेडिकल सीट्स नहीं है जितना हो, 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 होनी चाहिए थी हर साल अगर मेडिकल कॉलेज जैसे सरकार बताती है अगर बनती तो मेडिकल सीट हर साल बढ़नी चाहिए थी इस साल लगभग भारत में अगर इंडियन स्टूडेंट्स को मेडिकल सीट करना है तो गवर्नमेंट को लगभग कम से कम ढाई लाख सीट देनी चाहिए इस लेकिन इस साल जो है कुल मिलाकर अड़तालीस हजार कुछ सीटें आई थी तो उसके हिसाब से कई बच्चे ऐसे हैं जो काबिल तो है लेकिन कुछ नंबर के हिसाब से कुछ कमियों के के हिसाब से वो गवर्नमेंट सीट नहीं निकाल पाते हैं ये कहा जा रहा है कि चालीस लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर बिक गया आ, मतलब ऐसा सुनने में आया कि चालीस लाख ,00 में बिका पैंतालीस लाख में बिका कई लोग तो ऐसा कह कह रहे हैं कि बिहार में पांच हजार दस हजार में भी बिका अब इसके लिए अच्छा मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चालीस लाख रुपए दीजिए आप मुझे मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ और किसी को पता नहीं चलेगा तो एक के नाते आप पेपर ले लेंगे चालीस हजार चालीस लाख दे देंगे ऐसा हम तो नहीं कर पाएंगे हाँ। ऐसा मतलब अब वो हमारे ऊपर आ जाता है कि तीन साल से सा हम मेहनत किए वो सब किए फिर उसके बाद ये सब मेहनत जाया गया हमारा तीन साल का पूरा वक्त जाया गया तो इसके हिसाब से तो हम नहीं लेते ये कि आपके जो पिताजी हैं पिताजी इस पूरे रिजल्ट को लेकर के उनके मन में क्या ख्याल आता है क्या कभी बातचीत करते हो क्या कहते हैं नहीं। वो रिजल्ट देख के पूरा रैंकिंग सिस्टम देख के उनके मन में एक उदास है वो भी एक मतलब डिसअपॉइंट है रिजल्ट से और सरकार से और फिर ये एनटीए का जो पूरा नीट का रूल्स एंड रेगुलेशन जो बिगड़ा गया है उसके हिसाब से वो नाराज हैं तो और ये बताइए कि फिर आप तैयारी करेंगे इसका कोई तय नहीं तीन साल हो गया बहुत ज़्यादा वक्त हो गया हाँ। तो हमें नहीं लगता है कि आगे तैयारी करना बेहतर है सुप्रीम कोर्ट में आठ तारीख को जो सुनवाई होना वाला है तो सरकार उस पर ध्यान दे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे और नीट के स्टूडेंट्स के साथ जो क्या बोलते घोटाला हुआ है उसको ठीक करे